मोहम्मद आमिर जो हैं वो एक दफा फिर इंग्लैंड के मैदानों में जो हैं वो नजर आएंगे, मैदान में ग्राउंड में नजर आएंगे टीम। आप समझते हैं कि मोहम्मद आमिर अभी मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा और वर्ल्ड कप में जिस तरह शाहीन के साथ उनकी जोड़ी एक बनाई गई थी आमिर और जो है शाहीन से आफरीदी, ये उस तरह से कारामद साबित होगी या नहीं? देखिए उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनसे पाकिस्तान ने ट्रस्ट किया है, उन्हें वापस लाए हैं और उनकी एबिलिटी को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो जाहिर अब उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। थोड़ा प्रेशर होगा लेकिन वो इतने अच्छे बॉलर हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं कि मेरा ख्याल है वो एडजस्ट करेंगे, उन्हें करना चाहिए। ओपनिंग में बहुत ज्यादा हमें देखने में पड़े शफल बहुत ज्यादा करना पड़े। साइम अयूब को जो है वो 12 बार चांसेस दिए गए लेकिन उस तरह से वो कामयाब नहीं हो पाए, और रिजवान और साइम की जो है जोड़ी अभी भी ये कहा जा रहा है कि रिजवान और साइम जो ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 3 पे खेलने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ फखर जमान जो कि ओपनिंग बल्लेबाज से उनको जो है नंबर 4 पे जो है वो लेके जाया जा रहा है। तो ये तमाम तर जो चीजें हैं पाकिस्तान में अगर ओपनिंग के हवाले से, क्योंकि बाबर और रिजवान ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, नो डाउट अच्छा खेले लेकिन उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क था कि स्ट्राइक बहुत कम था, स्ट्राइक रेट बहुत कम था जिससे पाकिस्तान जो है वो 200 का टारगेट नहीं हासिल कर पाती थी, इस वजह से जो है वो सफल किया गया और साइम अयूब को ऊपर लाया गया। लेकिन साइम अयूब भी बड़ी इनिंग्स खेले में नाकाम हुए और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान का जो है ओपनिंग स्टैंड उस तरह से डिस्टर्ब रहा। लेकिन अब एक दफा फिर से जो है साइम अयूब और रिजवान को जो है ओपनिंग के तौर पर जो है देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि बाबर आजम नंबर 3 पे खेलेंगे आज के मैच में, हमें इसकी एक झलक भी दिखाई देगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें फखर जमान की और उस्मान खान की जो कि ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है लेकिन उनको मिडल ऑर्डर में जो है वो खेलने के होगा और अपनी जगह उसी में पक्की करनी होगी। और फखर जमान तो जो है वो अलान ये कह भी चुके हैं कि अब उनकी ओपनिंग में जगह नहीं है क्योंकि उन्होंने उनका काम यह है कि वो उन्होंने खेलना है और तेज रन बनाने हैं। T20 में अगर वो 10 रन भी बनाते हैं या 50 रन भी बनाते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए बनाते हैं, उनके लिए अपना जो है वो चीज जो है वो मैटर करती है।